देख रहे हैं DNCT लाइव न्यूज। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की एक इकाई ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन की तरफ से आज बेगूसराय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता के दौरान नेताओं ने वर्तमान सरकार पर संविधान को तोड़ मरोड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार मुद्दों से हटकर ऐसे ऐसे काम कर रही है जो भारतीय संविधान के खिलाफ है। इसी वजह से ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन की तरफ से एक पुस्तक का विमोचन किया गया है जिसमें सरकार की खामियां को दर्शाया गया है। यूथ फेडरेशन के नेताओं ने कहा कि पूरे भारतवर्ष में इस पुस्तक का विमोचन किया गया है तथा छात्रों और नौजवानों के बीच इनका वितरण किया जा रहा है जिससे लोग बीजेपी की सरकार में हुए काम और उनके खामियां को देख सकेगी। नेताओं ने कहा कि इस पुस्तक में ऐसी सभी बातों का जिक्र किया गया है जिसे पढ़कर नौजवान 17वीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी को दरकिनार करेगी। प्रेस वार्ता के माध्यम से ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के नेताओं ने गिरिराज सिंह पर भी खासा निशाना साधते हुए कहा कि वह हर वक्त हर व्यक्ति को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। इसीलिए नेताओं ने बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से कन्हैया कुमार को वोट देने का अपील की है। बेगूसराय से पिंकल कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, DNCT लाइव, बेगूसराय। आभार प्रकट करते हैं। देखिए, पूरे देश भर में अभी जो 17वीं लोकसभा का चुनाव है उसका माहौल बना हुआ है। हम ऑल इंडिया फेडरेशन में भूतकाल में भी अपनी जो ऐतिहासिक जिम्मेदारी है, अपना राजनीतिक कर्तव्य जो है वो देश के प्रति निभाया है। इसी कर्तव्य के तहत, इसी श्रृंखला के तहत हमने 17वीं लोकसभा चुनाव में, क्योंकि ये संविधान को बचाने का चुनाव हो रहा है, इसीलिए रोजगार, शिक्षा है, अभी की स्वतंत्रता है, दलितों के अधिकारों की बात है, सामाजिक न्याय, आरक्षण की बात चल रही है, पर्यावरण की सारी समस्याएं खड़ी हुई उस पर बात करना बाकी है। ये सारे आंदोलन है, उसमें JNU का आंदोलन भी है, उनकी मांगे जो है उसमें जो मांगे ये भी है, जैसे हमने सिडिशन को हटाने की बात इसमें की है। तो कन्हैया कुमार निश्चित तौर पे इन सारी चीज़ों को लेके सहमत है। जो दूसरे उम्मीदवार है, जैसे आप गिरिराज सिंह जो देख रहे हैं, तो सारी बातें हैं, पाकिस्तान भेजने की बातें करते हैं हर एक को, वो सारी महिलाओं के खिलाफ इतना शर्मनाक बयान देते आ रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि ये जो इनके इनमें इन घोषणा पत्र में जो मुद्दे शामिल किए गए हैं इससे ना उनकी सहमति होगी, ना उन्होंने अपने 5 साल में कहीं भी इन सारे मुद्दों पर खड़े उतरे हैं। इसलिए कन्हैया कुमार एक ही बेगूसराय में इस घोषणा पत्र के अगर निकष देखा जाए या नजरिया देखा जाए तो उसमें एक ही खड़े उतरते हैं, वो एक कन्हैया कुमार। गिरीश फोंडे इस घोषणा पत्र के राष्ट्रीय संयोजक हैं, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन।